पहले फिर इसके बाद मैंने भी कांकड़े करे विदिशा शहर की बालाजी पैराडाइज कॉलोनी में विदिशा और सांची के किन्नरों के बीच में लड़ाई हो गई, जिसमें कुछ किन्नरों को चोट भी आई है। इसके बाद विदिशा के किन्नर शिकायत लेकर सिविल लाइन थाने पहुंची, जहां मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। विदिशा के किन्नर सिविल लाइन थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गए, जहां विदिशा के किन्नरों ने बताया कि यह लोग सांची के रहने वाले हैं और हमारे क्षेत्र में हमारे जजमानों से मांगने के लिए आते हैं। विदिशा में गुंडागर्दी करते हैं, हमारे जजमानों को परेशान करते हैं। वही बालाजी पैराडाइज कॉलोनी में रहने वाले हुकुम सिंह लोधी ने बताया कि मेरे यहाँ बच्चा हुआ था और ये लोग मेरे यहाँ मांगने आए थे। तब मैंने पूछा कि कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बताया कि हम लोग सांची से आए हैं, हमारे विदिशा के एक ही गुरु है इसीलिए आए हैं। जिसके बाद स्थानीय किन्नरों को सूचना मिल गई, जिसके बाद विदिशा के किन्नर वहाँ पहुँच गए और सांची के किन्नरों के साथ बहस हो गई और आपस में कई किन्नर भिड़ गए और झूमा झटमी में कुछ लोगों को चोटें भी आ गई। मामला सिविल लाइन थाने का है। CSP ने बताया है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। किन्नरों पिछले 4 से 5 बरस से वो शुरू से ऐसी करती आ रही है ना, हमेशा हमारे ऊपर मारने पीटने की वो धमकी ढोस देती आई है। ये मेरे हाथ पे खून की निशान देख रहे हैं आप, मेरे साथ वाली को सर पे ईटा से उन्होंने अटैक करी, उनको खून आ गया, शुगर पेशेंट थी, उनको कितना प्यार मोहब्बत से समझा, वो हमेशा हावी होती है ना, उनका व्यवहार कहीं से भी अच्छे नहीं है। धमकी देती, वो हमेशा धमकी देती आई है कि और गुंडे बदमाश लेके चलते हैं और हमारे विदिशा क्षेत्र से लोग जाते हैं शादी करने मकदम भंडारी में, वहाँ पर भी बहुत वायलेंस पैदा करते हैं वो। बस हम रत्ना नायक की नाती चेला अम्रपाली, हम लोग अपने बस्ती मांगने गए थे। ये खुशी सांची के है, खुशी किन्नर, वो लड़कों को लोग के और अपने चेले नाती के संग में आके गुंडो बदमाशों के साथ आई, हम लोगों से छीना छपटी करी। मेरे एक किन्नर को चोट लग गई है, सर फट गई है। हमारे घर पे मेरी अभी दादी नहीं है, ईट फेंक के मार रही, सबको मारा पीटी हुआ, मार के भाग गई। ठीक है, रोज रोज मकदम भंडारी गार्डन में किसी दूसरे जिले के आकर यहाँ, वो सांची कहेंगे, ये उनका इलाका, उनका क्षेत्र दूसरा है, हमारे क्षेत्र में आके धाधली से गुंडागर्दी से मांगने आ गए, जजमानों को जबरदस्ती पैसे लेके जा रहे हैं, जो मोहल्ले में हम मांग के आ चुके हैं उन्हीं लोगों से दोबारा पैसे ले रहे थे। ठीक है, अभी तो 5-6 जने थे, हमारी अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं हम लोग अपने अपने इलाके से, तो इस क्षेत्र में 5-6 लोग थे, उन्हीं की संग में वो लोग ऐसे हरकतें की। पुलिस को ये कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे, उनको उनको खींच के ले आएंगे, पुलिस यही कह रही है। अब देखिए आगे क्या कर रही पुलिस। सिंह लोधी, मैं बालाजी पैराडाइज में रहता हूँ, मेरे यहाँ अभी बच्चा हुआ 8 तारीख को, तो ये लोग आए हैं ना किन्नर लोग, तो कहने लगे कि हम लोकल के हैं। हमने पूछा हमने कि आप यहाँ के तो लग नहीं रहे हो, कहाँ के हो, तो कहने लगे कि हम है ना सांची के हैं और है ना हमारा गुरु एक ही हो गया है, तो हमारा एरिया ये हो गया है। तो उसके बाद है ना हमने ठीक है आपका एरिया है, तो हमने उनको पैसे दे दिए, 15,000 रुपये हमने दे दिए उनको। अब बाद में ये लोकल वाले आए तो इन लोगों की पैसावासी हो गई। अच्छा, ये जो 15,000 रुपए की राशि जो आपसे ली गई है, ये किसी तरह से दबाव बनाकर अथवा आपने श्रद्धा पूर्वक दी? नहीं, हमने तो श्रद्धा पूर्वक दी है, हमने श्रद्धा बीच में। फिर क्या विवाद किस? अब इनके बीच में ये विवाद हुआ है कि है ना इनने कहा कि ये एरिया हमारा है, आप यहाँ कैसे आए, हमारे ये हमारे जजमान है। हाँ, हाईवे पे कुछ झगड़े की सूचना मिली है, थाना प्रभारी सिविल लाइन मौके पहुँच गए हैं, उनकी बात को सुनना है और सुनने के बाद में जो लीगल कार्रवाई होती है वो की जाए।